आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु सब लोग गाइए, अपने हाथों को स्वर की तरफ उठाइए, समर्पित करिए अपने आप को पूरी तरीके से। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ हो हो महिमा हो तेरी, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। हालेलुया, चर्च समर्पित करिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में। उसकी स्तुति, उसकी आराधना ही जीवन है। ओ रे बाबा मान दो, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा सिंहासन परमेश्वर तेरा है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, करते हैं तेरी हम स्तुति। दिल से समर्पित मन से उसकी स्तुति करिए। हालेलुया, यस लॉर्ड, करते हैं धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तू महान है पिता, तू महान है, तू जैसा कोई। हालेलुया, ऊंचा सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा बोल के गाइए आवाज आने, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा ओ तेरी, महिमा ओ तेरी, ओ महिमा ओ तेरी, महिमा करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यस लॉर्ड, अपने मन को तेरे सामने लेकर आए हैं। अपनी बुद्धि और ज्ञान से हमें भर दे परमेश्वर, ताकि तेरे चरणों में समर्पित होकर परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सहारे तेरे वचनों पर चले परमेश्वर, तेरे वचनों को समझने की बुद्धि दे परमेश्वर, समझ दे परमेश्वर, वरदान से भर परमेश्वर। यस लॉर्ड, जब तक तू हमारी बुद्धि नहीं खोलेगा, हम नहीं समझ पाएंगे तेरे वचनों को परमेश्वर। चलो पिता, हर एक कलीसिया का हर भाई हर बहन तेरा आशीष पाए परमेश्वर। यस लॉर्ड, इस पूरी कलीसिया को आपके पवित्र सामर्थी लहू की सुरक्षा का बाड़ा बांधते परमेश्वर। देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते, सुख मांगते परमेश्वर, चंगाई मांगते परमेश्वर, अनुग्रह मांगते परमेश्वर, बरकत का आशीष मांगते परमेश्वर। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते। धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, हम सब कहेंगे आमीन।
Amen. जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। जोर से बोलिए यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आज का दिन बहुत अच्छा है, पवित्र है। परमेश्वर, हम परमेश्वर के घर में आए हैं। कहां पर आए हैं? किससे मिलने आए हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे आकर मिले। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे मांगे, मेरा बच्चा मुझे पापा कहे। आपको याद है जब आपका बच्चा हुआ था, कितने माँ बाप बैठे हैं यहां पर? प्रेज द लॉर्ड, बहुत है। आपको याद है जब बच्चा छोटा था तो आपको उम्मीद होती थी कि मेरा बच्चा बोले, पापा बोले, माँ बोले और कुछ मांगे मुझसे। हालेलुया। पिता चाहता है मेरा बच्चा कुछ मांगे मुझसे। हालेलुया। परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर की जो शिक्षा है वो अद्भुत है। और बाइबल में हमें सब कुछ बताया है कि परमेश्वर क्या चाहता है। लेकिन आपको पता है कि बाइबल हमें शैतान के बारे में भी बताती है। हमें बताती है कि शैतान किस तरीके से हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, हर पल हर क्षण। और ये विश्वासियों के संग ज्यादा होता है, हम मसीहों के साथ ज्यादा होता है। वो आपको ऐसी युक्ति आपके साथ लगाता है कि वो आपको दूर करने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि मसीह परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर के अनुसार चले। उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा शैतान ने। हालेलुया। लूका 4 का 9 10 11 12 अगर हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब वो उपवास, 40 दिन का उपवास जब यीशु मसीह ने रखा हुआ था और वो रेगिस्तान में था, जानवरों के बीच में था, उपवास में था, पानी तक नहीं पिया था उसने, रोटी तक नहीं खाई थी, और वहां पर शैतान परीक्षा करता है, रोटी की परीक्षा करता है, दूसरी कई परीक्षा करता है, और एक जगह यहां पर मंदिर की गुंबद पर लेके जाता है। यीशु मसीह को कहां लेके जाता है? मंदिर की गुंबद पर। और वहां से क्या कहता है, पढ़िए बेटा। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। तब उसने उसे, शैतान ने यीशु को यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। आगे, और उससे कहा, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, कूद। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, देखिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से शैतान आपको भेदता है। एक तो कहां खड़ा कर दिया यीशु मसीह को? मंदिर के कंगूरे पर, किसी चट्टान पे नहीं खड़ा किया। और उसके बाद क्या कहता है कि नीचे गिरा दे अपने आप को। आगे बढ़िए। क्योंकि लिखा है, हाँ, वहां तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ, कि वे तेरी रक्षा करें, हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हाँ, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है,
तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। ये भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। शैतान यही चाहता है कि हम उसकी परीक्षा करें। शैतान यही चाहता है कि हम अपने पिता की परीक्षा करें। शैतान चाहता है आपको बताएगा, आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर आएगा जहां पर आप उसकी परीक्षा करेंगे। मंदिर में लेकर गया और उससे कहा नीचे उतर जा। हम जो मसीह होते हैं ना, आज मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, हम आज मसीह होने के बाद भी संसार में कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, कोई भी धंधा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई भी नौकरी पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं प्रभु है ना हमारे साथ, प्रभु मेरी रक्षा करेगा। ये वचन क्या कहता है कि विपत्तियों में परमेश्वर रक्षा करेगा। आधा वचन सच है, आधा झूठ है। प्रेज द लॉर्ड। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हम कोई भी धंधा करते हैं, कैसी भी नौकरी करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। बिल्कुल रक्षा करेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या परमेश्वर ने हमको ये नौकरी करने के लिए कहा है, क्या परमेश्वर ने हमको ये धंधा करने के लिए कहा है। शैतान तो कह रहा कूद जाओ, धंधा खोल लो, दुकान खोल लो, प्रभु है ना। शैतान यीशु मसीह को कन्विंस कर रहा है कि लिखा है कि वो तेरी रक्षा करेगा। यस, वो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन क्या जो चीज आप खोलना चाहते हैं उसकी इजाजत आपने प्रभु से ली है। हेलो, यीशु मसीह तकरीबन 7 बार अपने चेलों को बता चुके थे कि वो मर के जिंदा हो जाएंगे। अन्य जाति वाले उसे पकड़ेंगे, महाराजा को उसे पकड़ेंगे, उसे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, उसके हाथों पैरों में कीलें चुभवाएंगे और 3 दिन के बाद वो जिंदा हो जाएंगे। यीशु मसीह अपने चेलों को कई बार बता चुके थे, लेकिन फिर भी हर काम करने से पहले यीशु मसीह क्या करते थे, प्रार्थना। गतसमनी में 3 बार उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु अगर ये तू प्याला मेरे सामने से हटा सके फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो। 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि तू क्या चाहता है। परमेश्वर का काम यीशु मसीह ने धरती पर कुछ भी बिना पूछे नहीं किया। योहन्ना 12 का 49 और 50 बताता है कि जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं वो करता हूं, जो पिता करता है वही मैं करता हूं, जो मैं देखता हूं वही करता हूं। पिता से अनुमति लेता हूं मैं कोई भी काम करने के लिए। आज जो विश्वासी है, आज का जो मसीह है, वो आजमाइश में क्यों आता है? क्योंकि आप परमेश्वर को परीक्षा में डालते हैं। हम, हमारा पिता कौन है? वो रचयिता है पूरे ब्रह्मांड का, वो है हमारा पिता और वो जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। वो जिंदा है और वो कह रहा है मैं हूं तेरे लिए। और हम भूल जाते हैं, हम शैतान की सुनते हैं और कहते हैं कूद जा, पैसा आया है दुकान खोल, बिजनेस खोल। कौन सा बिजनेस, हमें क्या करना है? हम अपने नहीं है, हमें जो जीवन मिला है वो हमारा नहीं है, हम गिरवी हैं। यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे हुए हैं। 1 कुरिन्थियन 6:19 कहता है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करता है, लेकिन हम अपने नहीं हैं। मैं अपना नहीं हूं। हेलो,
मैं अपने लिए नहीं सोच सकता हूं, मेरे लिए कौन सोच रहा है? हेलो, आप अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आप अपने लिए सोचें या पिता आपके लिए सोचे? अरे उसने अपने इकलौते पुत्र का आपके लिए बलिदान दे दिया यह प्रमाण देने के लिए कि मैं हूं। मैंने तुझे चुना है। योना 15:16 क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर तुम्हें नियुक्त किया है, अपॉइंट। अगर इंग्लिश की बाइबल हम पढ़ेंगे, अपॉइंट, ही अपॉइंटेड यू। योहन्ना 15:16, उसने मुझे नियुक्त किया है कि मुझे क्या करना है, कैसे जीवन जीना है, और वो है बताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपनी आत्मा दी है हमें ताकि हम उसके अनुसार चलें। प्रेज द लॉर्ड। हम कहां, हम क्या करते हैं? हम उसकी बात नहीं सुनते हैं। शैतान ने कहा कूद जाओ, हम कूद जाते हैं। प्रभु तो है ना, बिजनेस खोल लिया, ऑफिस में चले गए, ये नौकरी करनी है और शुरू कर दिया हमने काम। कहीं भी फंसे, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर कृपा कर, प्रभु ये मेरा धंधा नहीं चल रहा है, प्रभु अब मैं क्या करूं? अरे आपने प्रभु से पूछा था पहले आपको क्या काम करना चाहिए? आपने पूछा था आप में कौन से गुण हैं? आप जानते हैं आप मसीह हैं? आपका कौन सा काम सूट हो रहा है? आपका कौन सा काम प्रतिफल देने वाला है? कौन से काम पे परमेश्वर बरकत देने वाला है? आपने पूछा उससे? मुझे ये काम आता है, मुझे ये काम आता है। आप भूल जाते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है, उसे बुद्धिमान की जरूरत नहीं है, उसे बुद्धिमान की जरूरत नहीं है। उसने अपने चेले कौन से बनाए? कोई याजक बनाया, कोई लेवी बनाया, कोई महायाजक बनाया? उसने अपने चेले कौन से बनाए? मछुआरे, जो अनपढ़ थे। उसे बुद्धिमान नहीं चाहिए, उसे वो चाहिए जो आदमी कहे कि परमेश्वर मैं तेरे लिए, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे बिना। मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे तू चाहिए। निर्गमन 33:15 क्या कहता है? मूसा जो कि जान चुका था कि परमेश्वर कौन है, 10 विपत्तियां, लाल समुद्र को 2 भागों में परमेश्वर ने बांट दिया, 25 लाख लोग मूसा के सामने थे, वो 25 लाख लोगों का अगुवा था। सोचिए आप कितना दान दशांश, कितना सोना चांदी, कितने लोग उसके आगे पीछे होंगे, कितने लोग उसे मूसा को मूसा 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 बोलते होंगे, पलकों पे उठाते होंगे। फिर वो क्या कहता है कि यदि तू मेरे साथ नहीं जा रहा है, 33:15, उसने उससे कहा, हाँ, यदि तू आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। अगर तू आज हमारे साथ नहीं है प्रभु, तो हमें काम नहीं, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, हमें कनान देश नहीं चाहिए, हमें शहद और दूध की नदियां नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए अगर तू हमारे साथ नहीं है। Yes, Lord, मुझे ऐसा बिजनेस नहीं चाहिए जिसमें तू नहीं है। मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जिसमें तू नहीं है। भजन संहिता 127:1-2, भजन संहिता 127:1-2, प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरा आधार प्रभु नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग।
हेलो, क्रूस क्या बताता है? क्रूस पर आप यीशु मसीह को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? क्रूस पर जब लोग यीशु मसीह को देखते हैं ना, क्या ही है? क्या संसार को ये बचाएगा? ये खुद नहीं अपने आप को बचाएगा, बचा पाया? क्रूस क्या बताता है? नथिंग। क्रूस पे यीशु क्या कहता है? आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। बाइबल में क्या कहता है यीशु? मैं कुछ नहीं हूं, जो पिता कहता है वो मैं करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। पिता को कौन चाहिए? जो समर्पित कर दे अपने आप को, जो कहे कि मैं कुछ नहीं हूं तेरे बिना, मुझे बता मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी बुद्धि चाहिए। इसलिए उसने अपनी आत्मा दी है। हेलो, कौन सा वचन है? यदि घर को यहोवा ना बनाए, 127 का एक क्या कहता है? पढ़िए बेटा, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आमीन। अगर मेरे घर को, मेरी दुकान को, मेरे धंधे को, मेरे जीवन को, मेरे बच्चों को यहोवा ना बनाए तो बेकार है, बेकार है। मुझे उस महल में नहीं रहना जिसमें प्रभु नहीं है, मुझे उस झोपड़े में रहना है जिसमें प्रभु है। Yes, hallelujah. Praise the Lord. मेरा प्रभु क्या चाह रहा है? मेरा यीशु क्या चाह रहा है? लेकिन शैतान हमें झुटलाता है, हमें फंसाता है, जैसे यीशु मसीह को फंसाया। कूद जा, कूद जा, बचाएगा तुझे प्रभु, बचाएगा तुझे प्रभु। यीशु मसीह ने कहा नहीं, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। नो, हमें परीक्षा नहीं करनी है कि मेरा प्रभु मुझे बचाएगा। हम यहां पर कलीसिया में परीक्षा के लिए नहीं आते हैं। मैंने कई परिवार देखे, अगर प्रभु ये करेगा तो मैं प्रभु को मानूंगी, अगर प्रभु ये करेगा तो मैं प्रभु को। अरे, हम शर्तों पे काम नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु है। हेलो, वो प्रभु है, उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है, उसने हमें चुना है, उसने हमारे पापों शापों से हमें मुक्त किया है, उसमें उसने हमें उत्तराधिकार, स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाया है, यीशु मसीह के अधिकार दिए हैं। वो अगर अब धरती पर हमें कुछ भी ना देना तब भी उसका धन्यवाद, वो हमें दे चुका है, वो हमें दे चुका है। क्यों आप मांग रहे हैं? क्योंकि जो चीज वो आपको दे चुका है आप उसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। जो आपको दे चुका है अनंत काल का जीवन, उद्धार, स्वर्ग में आपका नाम लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे हैं। मूसा ने समझ लिया, इसलिए मूसा कहता है कि यदि तू हमारे साथ ना जाए तो मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। लेकिन शैतान क्या कहता है? कूद जाओ। शैतान क्या बोलता है? कूद जाओ, ये आ रहा है सर्विस, ले लो। अरे भाई, वो सर्विस किसके साथ है? मुझे क्या करना पड़ेगा उस सर्विस में? मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? अगर उस सर्विस में मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ऐसा 10,000-20,000 रुपए आपको चाहिए? यानी कि आप रोज रोज झूठ बोल रहे हैं, रोज धोखा दे रहे हैं सर्विस में, और आप 20,000 महीना कमा रहे हैं और प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। इफिशियन 6:14, सत्य को अपनी कमर से बांधो। पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो।
इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन कर। सत्य को अपनी कमर से बांध लो, क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताएगा मुझे? सत्य को अपनी कमर से बांध लो, कोई बताएगा? सत्य कौन है? यीशु। ठीक है, अब मैं सिर्फ सत्य की बात करता हूं। सत्य को अपनी कमर से बांधने का मतलब क्या है? आपको हर पल सत्य कहना है, सत्य पे ही चलना है, चाहे आप अपने पति के साथ हैं, चाहे अपनी पत्नी के साथ हैं, चाहे अपने बॉस के साथ हैं, चाहे आप अपने कर्मचारी के साथ हैं, चाहे किसी के साथ हैं, चाहे अपने पड़ोसी के साथ हैं, चाहे अपने दुश्मन के साथ हैं जो आपको सता रहा है, आप उसके साथ हैं, किसी के साथ भी हैं, आपको सत्य के साथ चलना है। आपको सत्य के साथ चलना है। अगर आप सत्य के अनुसार चलेंगे तो ही आशीष होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मान लीजिए आपको बना बनाया बिजनेस मिल गया और उस बिजनेस को आपने किया और उसमें आप देख रहे हैं कि साहब अरे लाख रुपए महीना कमाई है, लेकिन आप ये भूल गए कि उस बिजनेस में आपको झूठ तो नहीं बोलना पड़ रहा, मुझे कहीं धोखा तो नहीं देना पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, मेरा आधार क्या है? प्रभु। यिर्मयाह 17:7 क्या कहता है? यिर्मयाह 17:7, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर से प्रेम करता है और जिसका आधार परमेश्वर है। हेलो, यिर्मयाह 17:7 क्या कहता है? धन्य है वो मनुष्य, पढ़िए बेटा, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपना धंधे के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी रोटी के लिए नहीं, रिश्तों के लिए नहीं, परमेश्वर को आधार मानना। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को आधार माने, इसलिए वो कहता है कूद जा, तेरी रक्षा परमेश्वर करेगा, और हम उसकी बात मान लेते हैं, कूद जाते हैं और हम कहते हैं प्रभु तो है, कहां है प्रभु? अरे सर मैंने तो बपतिस्मा लिया, मैंने तो बपतिस्मा लिया, पास्टर ने हमको बताया कि नया जन्म में हूं, मैं नए आपके नई सृष्टि हूं, दान दक्षिणा देता हूं, चर्च जाता हूं, प्रभु तो मेरे साथ है, वेरी गुड। लेकिन आपने परमेश्वर के अनुसार काम कर रहे हैं आप? आपका आधार परमेश्वर है? आपका आधार कौन है? सबोपदेशक 5:4-12, आपका आधार कौन है? आपके धंधे का आधार क्या है? आपके जीवन का आधार कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। सबोपदेशक 4:12, जल्दी निकाला करो बेटा। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो नहीं टूटती, यानी कि 2 धागे से बटी हुई डोरी टूट जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी शादीशुदा जिंदगी में कितने लोग होते हैं? आपके पति पत्नी टूट सकते हैं अगर तीसरी डोरी नहीं है तो। तीसरी डोरी कौन है? यीशु। आपके बिजनेस में कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, टूट सकते हैं अगर तीसरा पार्टनर यीशु है तो आपकी डोरी नहीं टूटेगी। अपनी नौकरी में, आप कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, आप हैं और जिसके यहां आप नौकरी कर रहे हैं वो है, लेकिन तीसरी डोरी कौन है? यीशु।
अगर आप यीशु मसीह के अनुसार चल रहे हैं, अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना केंद्र बनाया है, अगर आपने अपने धंधे में यीशु मसीह को अपना केंद्र बनाया है, अगर आपने शादीशुदा जिंदगी में यीशु मसीह को अपना केंद्र बनाया है, अगर आपने धंधे में, अपने बिजनेस में, अपने रिश्तों में यीशु मसीह को अपना केंद्र बनाया है, तो आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, आपका धंधा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के बिना हैं, गए आप हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपका आधार कौन है? यीशु। अगर आपका आधार यीशु नहीं है, किसी भी काम में, किसी भी रिश्ते में, मेरी बहन, इसी भजन संहिता 127 का 3 निकालिए, बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। भजन संहिता 127 का 3, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। गर्भ का प्रतिफल, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। बच्चे कौन देता है? प्रभु। कोई हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं मोहर? अगले साल हमारा बच्चा होगा, लड़का ही होगा, कुछ कर सकते हैं आप? नो। कौन दे रहा है? प्रभु। और क्या है बच्चे? दान है बच्चे। ये ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बच्चे कौन है आपके लिए? हेलो, आपकी मिल्कियत नहीं है वो, आपको परमेश्वर की ओर से दान मिला है, एक वरदान मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको परमेश्वर के उस दान को संभालना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप, आपका बच्चा होता है और आपको बेटे बोले, देखो 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 देखो, ये तुम्हारी चाची लग रही है, देखो तुम्हारी मम्मी, देखो तुम्हारी मम्मी की नाक तुम्हारे से मिलती है, देखो तुम्हारी आंखें बेटे तुम्हारी मम्मी के साथ मिलती है, देखो 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 देखो, अरे मुझसे मिलता है मेरा बेटा। उस बच्चे को हम पिता के बारे में बताते ही नहीं है। दिया किसने है? परमेश्वर ने। और हम परमेश्वर के ही बारे में अपने बच्चे को नहीं बताते हैं, हम उसे बताते नहीं कि वो है तेरा पिता। अपने बच्चे को रोज बताइए वो है तेरा पिता। असली पिता वही है, हम तो जमीनी पिता है तुझे संभालने के लिए, हमको भी वो संभालता है और तुझको भी वही संभालता है। उसके मन में ये बिठा दीजिए बच्चे के। आप क्यों डरते हैं? जैसे बच्चा 16 साल का होता, 17 साल की आपकी लड़की होती है, आप डरने लगते हैं कि मेरी बच्ची कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जाएगी, मेरा बच्चा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जाएगा, गलत दोस्तों के संग दोस्ती नहीं होगी। आप डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपने उसके असली पिता से उसको मिलवाया ही नहीं है। अगर वो असली पिता से मिल जाएगा आपका बच्चा, तो फिर आप वो डरेगा नहीं, क्योंकि पिता उसके साथ होगा, क्योंकि पिता का भय होगा। इसी तरीके से जब आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस का आधार परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। चाहे कितना भी पैसा आपके बिजनेस में लग रहा है, आप चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हैं, आप कितने ही पार्टनर क्यों ना हो, अगर दोनों पार्टनर प्रभु को आधार मानेंगे, आपका बिजनेस अद्भुत तरीके से चलेगा। और कहां चलेगा पता है आपको? अगर परमेश्वर आपका आधार होगा, यिर्मयाह 17 का 8वां पढ़ो। अगर परमेश्वर आपका, यिर्मयाह 17 का 8वां, वो जो परमेश्वर को अपना आधार मानता है, वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जो उसकी जड़ नदी के पास फैली हो। आगे, तब जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हाँ, जब धूप होगी तब भी उस वृक्ष को नहीं लगेगी, जब पतझड़ होगी तब भी उस वृक्ष को नहीं लगेगी, जब आंधी तूफान आएगा तब भी उस वृक्ष का कुछ नहीं होगा, और वो हर मौसम में फल देता रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका आधार
परमेश्वर है, उसका आधार प्रभु है। मेरे भाई, अगर आपका आधार प्रभु है और आप 2000 महीना भी कमाते हैं ना, बहुत है। आपका आधार प्रभु होना चाहिए। और अगर आपके धंधे का आधार प्रभु नहीं है और आप 2,00,000 कमाते हैं, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है उस पैसे की। वो कब आएगा पैसा और कब निकल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते आप। मैं चैलेंज करता हूं, बिजनेस परमेश्वर के अनुसार करिए। कोई भी धंधा प्रभु को मान दीजिए। हम जब प्रभु को मान नहीं देते हैं तो हमारा जो पैसा है ना, बीमारियों में निकल जाता है। हम जब प्रभु के अनुसार नहीं चलते, उनकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, तो पैसा वेस्ट होता है हमारा, हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। वही जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं, वो पैसा हमारा बचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों के सालों साल नए टीवी खराब हो जाते हैं, नए फ्रिज खराब हो जाते हैं। परमेश्वर के आशीष से हमारा फ्रिज और हमारा टीवी हमेशा आशीषित रहता है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुसार चलता हूं। मैं ईमानदारी के संग दशांश देता हूं। मेरा पैसा शैतान लेके नहीं जाएगा। आप करके देख लो, आप परमेश्वर के अनुसार चलो, आपको बरकत का आशीष होगा, आपके घर में राशन भरा रहेगा, भरा रहेगा। आप परमेश्वर के अनुसार चलो। आप Praise the Lord। हमें आसमान जुए में नहीं जुतना है। दूसरा कुरिन्थियन 6:14-15 क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियन 6:14-15, 2 Corinthians 6:14-15। आसमान जुए में नहीं जुतना है, बोलो बेटा। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो। ध्यान दीजिए, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतिए। यानी कि आपका अगर पार्टनर अविश्वासी है, ध्यान दीजिए, आप जिससे शादी कर रहे हैं अगर वो अविश्वासी है तो ध्यान दीजिए। आप जहां पर नौकरी कर रहे हैं और आपका बॉस या आपके कोलीग्स अविश्वासी हैं, ध्यान दीजिए, बहुत सतर्क रहना है आपको। इससे फायदा नहीं होगा कि नहीं साहब मैं तो विश्वासी हूं। हाँ आप हैं, लेकिन आप किसके संग बैठे हैं? हेलो, आप किसके संग बैठे हैं? अविश्वासियों के साथ। आपकी संगति किसके साथ है? अविश्वासियों के साथ। दूसरा कुरिन्थियन 15 का, सॉरी, पहला कुरिन्थियन 15:33 क्या कहता है? पहला कुरिन्थियन 15:33, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप समझ रहे हैं, मैं तो मसीह हूं, अभी सुबह चर्च होके आया हूं। और अगर आपकी संगति अविश्वासियों की है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती अच्छे है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, संगति में ही है। इसलिए संगति सही रखिए, आपकी संगति सही होनी चाहिए। जो पहली सदी के चेले थे वो क्या करते थे? सदी हले, दूसरा का 42 पढ़िए, एक्स दूसरे का 42, प्रेरितों के काम दूसरे का 42। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने, जो नए नए बनते थे वो क्या करते थे? जो नए नए मसीह बनते थे, जो नए नए विश्वासी बनते थे, उनका काम क्या था और आपको कौन सा काम करना है? बोलिए, पढ़िए बेटा। और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने, हाँ? और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमेन। क्या कर रहे थे?
शिक्षा पाने में लवलीन थे, रोटी तोड़ने में लवलीन थे, यानी के परमेश्वर के यीशु के बलिदान को याद करने में लवलीन थे, प्रार्थना करने में लवलीन थे, प्रेरितों के संग संगति पाने में लवलीन थे। हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि नहीं साहब, मैं नहीं बिगड़ूंगा, कोई भी संगति मुझको नहीं बिगाड़ सकती है। आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप नहीं जानते शैतान को, आप नहीं जानते। ध्यान दो, अम्मा बात बंद करिए प्लीज। आप अनजान हैं, आप आई एम सॉरी, आप पहचानते नहीं है। गलत संगति आपको, आपके चरित्र को बिगाड़ देगी। प्रभु क्या देता है आपको? यीशु मसीह ने क्या दिया आपको? अपना चरित्र। यीशु मसीह ने क्या दिया आपको? अपनी आत्मा। वो क्या कर रही है? उसकी आत्मा आपके अंदर क्या कर रही है? उसका चरित्र आपके अंदर डेवलप कर रही है। उसकी आत्मा क्यों है आपके अंदर? क्योंकि वो उसके 9 फलों को आपके अंदर बना रही है। क्यों? क्योंकि आपका चरित्र परमेश्वर जैसा हो जाए और आप सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। पहला यूहन्ना 4:17 वो आपको सिद्ध करना चाहता है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि मैं अविश्वासियों के साथ रहूं, मैं किसी ऐसे लोगों के साथ रहूं जहां से मैं उस चरित्र को खो दूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरे पास है क्या? मेरा चरित्र, उसी की रक्षा करनी है हमको। हमें किसकी रक्षा करनी है? अपने चरित्र की। हमें दुल्हन के रूप में किसका इंतजार करना है? दूल्हे का, यानी कि हम दुल्हन बने रहे, हमारा चरित्र हमसे ना जाए। पढ़ो बेटा, क्या पढ़ना? इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, हाँ, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, हाँ, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम हम में सिद्ध करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि जैसा यीशु है वैसा हमको बनाना चाहता है। जैसा वो स्वर्ग में है उसी तरीके से हमको धरती पर बनाना चाहता है वो। जैसा वो है वैसे हम यहां पर हैं। आप नहीं जानते आप कौन है, इसलिए हमें अपने एक एक कदम को बहुत ध्यान से उठाना है। कहीं हम इस संसार को पाने के चक्कर में उस अलौकिकता को, उस आशीष को, उस अभिषेक को ना खो दें। प्रेज द लॉर्ड। और हम खो देते हैं अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे। मती 13:24-25 जिस तरीके से यीशु मसीह ने जंगली बीज का दृष्टांत दिया था हमको, जंगली बीज, Matthew 13:24-28 यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, हाँ, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, हाँ, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बो कर चला गया। आमीन। क्या कर रहे थे लोग? सो रहे थे। जब आप वचन पे नहीं चलेंगे, जब आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो आप सो रहे हैं। और कोई भी आपके साथ आके जंगली बीज बो देगा। एक ऐसा आपको पार्टनर मिल जाएगा जो जंगली बीज लेकर आता है। आपकी ऐसी पत्नी मिल जाएगी जो जंगली बीज है। अब आप उसे छोड़ भी नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते। आप नहीं जानते, शैतान बहुत शातिर है। आप कहेंगे अब तो सर क्या करूं, सर मेरी बीवी ऐसी आ गई, सर
अरे क्यों नहीं आपने प्रार्थना की, क्यों नहीं आपने प्रार्थना की पहले, क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय तो परमेश्वर से ज्यादा वो दिख रही थी, वो दिख रही थी मुझे आंखों के सामने, बस आहा, बस ये मिल जाए। परमेश्वर तो मिला ही हुआ है, उससे पूछने की फुर्सत ही नहीं है। Praise the Lord। वो दूसरा जो धागा है वो तो आपने रखा ही नहीं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब वो जंगली बीज बो देता है तो वो जंगली बीज उस असली बीज के साथ साथ उगता है, तब आपको एहसास होता, अरे बाप रे, अगर मैं इसको काटूंगा तो खुद भी कट जाऊंगा। पढ़िए बेटा आगे क्या लिखा हुआ है। जब अंकुर निकले और बाले लगी तो हाँ। जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हाँ, जंगली के पौधे दिखाई दिए, कब? जब अंकुर निकले, जब बड़ाई, जब परिवार बड़ा, जब अंकुर निकले तब पता लगा, अरे ये तो जंगली बीज है। जब धंधा थोड़ा एस्टेब्लिश हो गया तो पता लगा, अरे ये जो पार्टनर है ये तो जंगली बीज है। अब तो लिखाई पढ़ाई हो गई, अब तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब क्या करें? फिर पास्टर याद आता है कि पास्टर क्या करें, कोई उपाय है? उस समय क्यों नहीं सोचा आपने? उस समय प्रभु नहीं दिखा, उस समय तो वो दिखा जो आपको इस मुकाम पर लेकर आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जो जीवन है ना मेरे भाई मेरी बहन, हम अपने दुश्मन खुद हैं। शैतान आपका दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन आपका पता कौन है? आप खुद। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद है। आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं। गलतियों 6:7-8, आप अपने दुश्मन खुद है, क्योंकि आप मसीह में आने के बाद, यीशु के बनने के बाद, आप परमेश्वर से ज्यादा खुद को समझते हैं। 4 वचन आपको याद आ जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे सब आता है। परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं। जैसे शैतान बोल रहा था कि तू कूद जा, वो बचाएंगे, तेरी रक्षा करेंगे। यीशु मसीह ने कहा नहीं, लिखा हुआ है कि परीक्षा मत करना परमेश्वर की। हम रोज परीक्षा करते हैं, आपको पता, आप रोज परीक्षा करते हैं परमेश्वर की। क्यों एक मसीह आदमी उस सामर्थ्य के साथ नहीं जी सकता जो सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है आपको? क्यों नहीं जी पा रहे हैं आप? आपको पता है आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया? नहीं पता? इफिसियों 1:3 निकालिए, इफिसियन 1:3, जल्दी पढ़ो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, हाँ, कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें वो दे चुका है। आमीन। हमें देने वाला नहीं है, आपको मिल चुकी है। अब आपको उसके अनुसार चलना है। लेकिन आप चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आप
उस परमेश्वर को जिसने आपको चुना है, जिसने आपको नियुक्त किया है, उस ईशु को आप पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, आप परीक्षा कर रहे हैं, आप शैतान की बात मानकर कूद रहे हैं, कूद जाओ, प्रभु है ना, प्रभु तुझे बचाएगा, बिजनेस खोल लिया, प्रभु है ना, शादी कर ली, प्रभु है ना, प्रभु तो है, लेकिन आप प्रभु के साथ हैं? हेलो, गसमनी में 3 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि प्रभु अगर तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, वरना मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, 3 बार। और परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे प्याला पीना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बिकॉज ही नोज कि वो परवरदिगार है, वो सर्वशक्तिमान है। हमें अपने जीवन का कोई भी निर्णय लेने से पहले उससे पूछना है, उससे पूछना है। हम कहते हैं कि साहब अरे हमने पूछा था, प्रभु ने जवाब ही नहीं दिया। कई लोग बड़े ही विचित्र होते हैं मसीह, कई लोग, मैंने बहुत से मसीह देखे, बाइबल भी वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से पढ़ते हैं। आज कौन सी है तारीख, 21 तारीख, 21वां अध्याय पढ़ेंगे। कई ऐसे लोग हैं, प्रभु दया कर आज मैं कौन सा वचन पढूं तो मुझे बता। ऐसे क्या समझते हैं आप, कैसे आपको जवाब मिलेगा? प्रभु मैं आज बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मुझे आंसर दे। ओ मिल गया, वो तो कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। पूरी बाइबल प्रॉमिसेस से और चेतावनियों से भरी पड़ी है। एक चर्च में गया था 31 दिसंबर को, उनमें से कई लोग 31 दिसंबर को एक कार्ड देते हैं आपको, वचन का कार्ड, जिसको जो मिलेगा उसका वचन है। कितनी गलत बात है, अरे हर वचन मेरा है, हर प्रॉमिस मेरा है, यीशु मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप नुकसान उठाते हैं, तब आप धोखा खाते हैं, और शैतान हंसता है कि फंस गया, अब क्या करेगा, गलत पार्टनर ले लिया, 1 करोड़ रुपए लगा दिया, और आप पता चला कि साहब पार्टनर तो गलत है, वो तो जंगली बीज है, अब क्या करेगा। और इधर परमेश्वर है जो दिख रहा है कि नहीं साहब मैं गलत कर रहा हूं, अब ये आदमी तो गलत कर रहा है, और सवाल क्या है, 1 करोड़ का जो मैंने बिजनेस में लगा दिया है। फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, चर्च जाना बंद कर देता है। वो 1 करोड़ निकालना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अब 1 करोड़ आ गया है, उस जंगली बीज को मैं संभाल लूंगा यार, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा तो ये मेरा 1 करोड़ निकल जाएगा। बाइबल क्या कहती है कि अगर दाहिना हाथ तेरा तुझे पाप कराए तो उसको काट दे, अगर दाहिनी आंख तुझे व्यभिचार की तरफ ले जाए तो उस आंख को निकाल दे, क्योंकि जो कुछ तुझे मिलने वाला है ना वो इस सारे संसार से कहीं बढ़कर है। यस, लेकिन शैतान कहता है कूद जा, और तुझे बचा लेगा परमेश्वर। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, नहीं, हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना है, समझना है हम क्या करें, प्रभु बताएगा।
मेरा प्रभु जीवित है, वो बताएगा आपको क्या करना है, समय लगाएगा। और जब तक प्रभु का जवाब नहीं मिले, प्लीज आचिए अन्य जातियों के साथ, अविश्वासियों के साथ मेल मिलाप मत करिए, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बिगाड़ क्या देती है? बिगाड़ नहीं है, खत्म कर देती है। क्या लिखा हुआ है? नहीं, कुछ और लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 5:15-33, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, खत्म कर देती है। और अगर मेरे भाई हमारे पास चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास हमारा चरित्र तो है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि एक दुल्हन के पास उसका चरित्र होना बहुत जरूरी है, और हम यीशु की दुल्हन है, तभी हम उसके पास जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है? इसलिए कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिए, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका धंधा हो। क्या आप कर रहे हैं सोचिए, क्या आपको मिल रहा है सोचिए, उसके लिए क्या आपको देना पड़ रहा है सोचिए, तभी आप करिए। सतर्क रहिए, नहीं तो आपका चरित्र शैतान बिगाड़ देगा। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम के लिए। परमेश्वर धन्यवाद, आज का दिन अद्भुत है। जो वचन आपने मेरे द्वारा दिए परमेश्वर, वो वचन इनके जीवन में काम करे, ऐसी कृपा चाहता हूँ, ऐसा आपका आशीष चाहता हूँ। परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए, समझ की बुद्धि दीजिए, ताकि वचन इनके जीवन में काम कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।